बांका सांसद गिरिधारी यादव ने बागेश्वर बाबा को पागल बाबा कह दिया है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। दरअसल आपको बताते चलें कि बांका सांसद गिरिधारी यादव जो हैं वो भागलपुर पहुंचे और भागलपुर पहुंचने के साथ जब मीडिया ने उनसे सवाल किया बिहार में जाति गणना को लेकर, तब उन्होंने ये बयान दिया कि केंद्र कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन बिहार में जाति गणना जो है वो होकर रहेगी। साथ ही साथ उनसे ये सवाल किया गया कि बाबा बागेश्वर जो हैं, यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं, वो पटना आ रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? तो उन्होंने ये जवाब दिया कि भाई इन बाबा को जानता कौन है, ये तो पागल बाबा हैं, इनके आने ना आने से क्या ही हो जाएगा। आपको बताते चलें कि धीरेन्द्र शास्त्री के आने से पहले बिहार की राजनीति जो है काफी ज्यादा गर्म हो गई है, जहां एक तरफ लगातार महागठबंधन की सरकार की तरफ से बागेश्वर बाबा यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर लगातार टिप्पणियां दी जा रही है, वहीं बीजेपी यानी कि जो विपक्ष है लगातार उनके समर्थन में नजर आ रही है। क्या कुछ बोल रहे हैं, पहले आप उनकी बातों को सुनिए। को मुखिया का छीनाने का, अब ये कह दिया गया कि जो पंचायत सरकार भवन बनेगा वो उसका निविदा निकाला जाएगा, उसमें कौन बात होगी? सरकार का पैसा है नहीं आ रहा सही तरीके से, ये मुखिया हार गया और वो मुखिया पंचायत सरकार भवन चालू हुआ नहीं, कंप्लीट हो रहा था, बाधाएं बीच में आ रही थी बहुत जगह, वो पैसा निकाल लिया, फिर मुखिया आया, चार्ज नहीं दिया, बहुत सारा पंचायत सरकार भवन पूरे राज्य में रुक गया, हम लोग भी जानते हैं, फिर लोग घूमते रहते हैं देखते हैं, इसलिए सरकार ने निर्णय लिया हम निविदा निकाल के करेंगे, टेंडर से करेंगे, उसमें क्या करेंगे। इस बार सर 2 माह का श्रावणी मेला आवंटन भरेगा सर, सुविधा हम नहीं जान होगा सर, हम ही मलमास और अधिक मास के चक्कर में हमने रहते हम लोग दूसरे भी जान लिया। सुल्तानगंज के एके गोपाल कॉलेज में बांका सांसद गिरिधारी यादव महागठबंधन के नेताओं के साथ पहुंचे। एके गोपाल के प्रचार अरुण कुमार ने फुल माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान कॉलेज के संगीत शिक्षिका रेखा कुमारी के द्वारा स्वागत गीत और भजन के माध्यम से उनका स्वागत किया गया। साथ ही साथ सांसद गिरिधारी यादव, जदयू के जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी, जदयू प्रखंड के अध्यक्ष सदानंद कुमार, राजद प्रखंड के अध्यक्ष कौशल प्रसाद यादव सहित अन्य अतिथि का फुल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान कॉलेज के प्राचार्य अरुण कुमार के द्वारा बांका सांसद गिरिधारी यादव से कॉलेज के नए भवन शिलान्यास करते हुए ईंट रखकर शुभारंभ किया गया। इस दौरान जब उनसे सवाल किया गया कि जाति जनगणना को लेकर, तो उन्होंने बताया कि जातीय गणना के सवाल पर केंद्र सरकार द्वारा जाति जनगणना पर रोक लगाई जा रही है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिहार में जातीय गणना जरूर होगी। बागेश्वर बाबा को लेकर उन्होंने कहा कि बागेश्वर बाबा के आगमन में सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं उन्हें नहीं जानता हूं, कौन पागल बाबा है और हम कोई बागेश्वर बाबा को नहीं जानते हैं। आपको बताते चले कि बागेश्वर बाबा जो है वो राजधानी पटना आने वाले हैं, जिसकी तैयारी भी काफी जोर शोर से चल रही है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी और जेडीयू की तरफ से लगातार उनके लिए बयानबाजी भी चालू है, जहां एक तरफ गिरधारी यादव जो हैं वो भागलपुर पहुंचे और भागलपुर पहुंचने के साथ जब उनसे ये सवाल किया गया तो सवाल में उन्होंने ये जवाब दिया कि ये कौन पागल बाबा है, मैं इस पागल बाबा को नहीं जानता हूं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, अनेक अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।